फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल लर्निंग विद मयंक में। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, वेदर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल, जिसका आज सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहला बात, क्लाइमेट आखिर होता क्या है? तो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी एक पार्टिकुलर क्षेत्र का मेजरमेंट हो रहा, तो उसका एक एवरेज वेदर निकला है उस रीजन का, तो वही है हमारा क्लाइमेट। नॉर्मल डिफिनेशन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखिए, अ प्लेस दैट यूजुअली डू नॉट गेट मच रेन ओवर अ ईयर इज सेड टू हैव अ ड्राई क्लाइमेट। वैसा जगह जहाँ पे साल में बहुत ज़्यादा रेन नहीं होता है, उसे हम लोग ड्राई क्लाइमेट्स का जगह कह सकते हैं। और अ प्लेस दैट यूजुअली स्टे कोल्ड थ्रू आउट द ईयर इज सेड टू हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। और वैसा जगह जहाँ साल भर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, उसे हम लोग कोल्ड क्लाइमेट कह सकते हैं। तो इस क्लाइमेट के ही बेसिस पे हम लोग अपने इंडिया का, यहाँ पे आप मैप देखिए, यहाँ पे ये जो मैप है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि इस साल के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं? किसी भी एरिया का पार्टिकुलर क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग एक एरिया को जोन्स में बांटते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्लाइमेटिक जोन्स, क्लाइमेट के जोन्स। अब इंडिया में जितने भी तरह के क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, उसे उसके बेसिस पे हम लोग इंडियन क्लाइमेटिक जोन को सेपरेट करते हैं। देखिए, दीज आर द फोर मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, दीज आर द फोर मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। इसे आप मैप पर भी लोकेट कर पा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा क्लाइमेट है। सबसे पहले हमारा आता है अल्पाइन जोन। दिस जोन कैन बी एक्सपीरियंस एट द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। हिमालय की तराइयों में हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं। ये क्लाइमेटिक जोन कहाँ है? हिमालय की तराइयों में, एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। इन दिस जोन वी हैव स्नो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, मतलब कुछ एक्सेस ही कोल्ड होता है, इसके कारण वहाँ पे बर्फबारी होने लगती है, बहुत ज़्यादा स्नो पड़ता है। तो इसे हम लोग हिमालयन रीजन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। स्टेट दो का नाम लेके चलते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। तो देखिए, अब हमारा आता है सब ट्रॉपिकल जोन। तो सब ट्रॉपिकल जोन क्या है? दिस टाइप ऑफ जोन इज प्रिवेलेंट इन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में या ईस्टर्न पार्ट्स आप कह सकते हैं, उधर ये एक्सपीरियंस किया जाता है। एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं बिहार, झारखंड, यूपी। तो इधर क्या होता है इस क्लाइमेटिक जोन में? तो यहाँ के जो समर होते हैं वे हॉट होते हैं, बहुत गर्मी होती है समर, बहुत एक्सेस गर्मी। मैं इसी रीजन में रहता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत यहाँ गर्मी रहती है। और यहाँ पे पानी भी बहुत होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा की सीजन में, नहीं तो कभी कभी समर्स में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी भी पड़ता है। आप देखते भी होंगे कि ज़्यादातर ईस्टर्न स्टेट्स में ही आप बाढ़ को देखते होंगे, कि यहाँ पे आप न्यूज़ में देखते होंगे कि ईस्ट में बाढ़ आया है ये सब। तो ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में ही बारिश होता है, बाढ़ ये सब आते रहता है। और देखिए, विंटर का यहाँ का क्या कंडीशन होता है कि कभी कभी टेम्परेचर 0 डिग्री पे भी चला जाता है, और विंटर में ज़्यादा पानी भी नहीं पड़ता है। विंटर यहाँ के ड्राई होते हैं, ज़्यादा पानी नहीं पड़ता है विंटर में। अब देखिए, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन को हम लोग अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रॉपिकल जोन इज अगेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिए, ट्रॉपिकल जोन को हम लोग अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल वेट मानसून जोन, ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन। तो अब इनमें क्या होता है? ट्रॉपिकल जोन जो है वो थोड़ा सा डेक्कन के पार्ट्स में और ज़्यादातर साउदर्न पार्ट्स में हमको मिलता है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इसके स्टेट्स का हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, ओडिशा, कर्नाटका एक्सेट्रा। इसके भी बहुत सारे स्टेट्स के एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही लिया है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल वेट मानसून जोन में क्या होता है? तो जो हमारा ट्रॉपिकल वेट मानसून जोन है, इसमें टेम्परेचर जो है वह ज़्यादातर 18 डिग्री के बिलो नहीं जाता, 18 डिग्री के बिलो नहीं जाता। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर आप 18 डिग्री मान के सकते हैं, यहाँ 18 डिग्री से ज़्यादा बिलो नहीं जाता। वेट मानसून जोन, वेट नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है
और ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन में क्या होता है? ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन जो हमारा है उसमें रेनफॉल उतना कॉमन नहीं होता, बहुत कम बारिश होती है, इसीलिए यहाँ पे कभी कभी अकाल ये सब का भी सामना करना पड़ता है। आप मैप पे लोकेट कर पा रहे होंगे कहाँ पे है ड्राई मानसून जोन, कहाँ पे है वेट मानसून जोन। ठीक है, तो अब हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया। अब हमारा आता है एरिड जोन। एरिड जोन कहाँ है? एरिड जोन क्या है? तो एरिड जोन जो है वेस्टर्न पार्ट्स में हम लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे आपके एग्जांपल में देख पा रहे होंगे राजस्थान की तरफ, गुजरात की तरफ, ये सब एरिड जोन में आते हैं। तो एरिड जोन में होता क्या है कि इट रिसीव्स हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, इट रिसीव्स हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, बहुत ही कम बारिश होती है, इसीलिए यहाँ का वेजिटेशन भी उतना अच्छा नहीं होता। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे कैक्टस के पेड़, बबूल के पेड़ ये सब ज़्यादा होते हैं, बल्कि ज़्यादा हरा भरा पेड़ जो कि हम लोग इधर देखते हैं सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल्स में, उतना हम लोग एरिड में नहीं देख पाते हैं। इधर आप लोग देख पाते होंगे सब ट्रॉपिकल में यदि आप रहते हैं तो आप देख पा रहे होंगे बहुत सारा पेड़ होता है, मैंगो ट्रीज, लीची ट्रीज, बनियान ट्रीज, बहुत सारा आप देख पा रहे होंगे। केरला में इधर ट्रॉपिकल जोन में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कोकोनट ट्रीज, खजूर ट्रीज और भी बहुत सारा ट्रीज होता है। लेकिन एरिड जोन में बहुत छोटे छोटे होते हैं पेड़, ओके, और जो कि एकदम कम वाटर में ग्रो कर सके वैसे ही पेड़ होते हैं, जो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कैक्टस, बबूल, ये इतने हरे भरे पेड़ नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही कैरेक्टरिस्टिक थे एरिड जोन के। तो अब जो है जितने भी एनिमल्स हैं वे अपने आप को क्लाइमेट के ही हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, तो वो जो क्लाइमेट के हिसाब से ढाल लेते हैं तो इसे कहते हैं एडाप्टेशन। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा जब भी वीडियो ये अपलोड हो जाएगा। तो वेदर पे भी हमने पहले वीडियो बनाया है, क्योंकि क्लाइमेट को समझ यदि आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो पहले आप वेदर जाके देखिए, क्योंकि बिना वेदर जाने आपको क्लाइमेट उतना अच्छे से नहीं समझ में आ सकता। तो आप वेदर की भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में टैग्ड है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया, उसके क्विक समरी लेते हैं। हमने डिस्कस किया क्लाइमेट जो कि एवरेज वेदर होता है पर्टिकुलर रीजन का, फिर हमने क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ा, अल्पाइन जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, एरिड जोन, और ट्रॉपिकल जोन को हमने अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया, ट्रॉपिकल वेट मानसून जोन, ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन। तो ये थी हमारी समरी। यहाँ पे आप मैप को भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आप लोकेट कीजिए कि कहाँ कौन कौन से स्टेट किस किस जोन में पड़ते हैं। इस ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो मिनिमम हर जोन से आपको दो स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।